बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 में हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसी वीडियो में हम ये पूरा एक्सरसाइज 1.3 मुकम्मल करेंगे। मतलब अगर आधा घंटे का हुआ या 40 मिनट्स जितना भी हुआ, लेकिन इसमें हम ये पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो है हमको मुख्तलिफ क्वेश्चन दी गई है, इसको हमने सबको हमने सॉल्व करना होगा। लेकिन जो शख्स भी हमारी वीडियो देखे, उनसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो आगे शेयर करिए। मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये हमारे पास साइज 1.3 है, ठीक है। इसमें सॉल्व स्पोंटेनियस लीनियर इक्वेशन विद द कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसमें जो मैं पहला पार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें है कि जेड प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 3i, ठीक है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 2z प्लस 3ω इज इक्वल टू 2, इसको क्वेश्चन नंबर 2 हमने इस तरह करना होगा कि z और ओमेगा इनमें इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी। तो अब हम इसके साथ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये z ख़त्म हो जाए या ओमेगा ओमेगा ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद हम मतलब एक ख़त्म हो जाए, एक मालूम हो जाए, तो दूसरा मालूम करना आसान हो जाता है, ठीक है। इसका तरीका क्या होगा? सॉल्यूशन देखिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2z प्लस 2ω इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, ठीक है। इक्वेशन 3 को हमने माइनस करना होगा 2 से, ठीक है। तो ये क्या है? 2z प्लस 2ω इज इक्वल टू ये 3 है। 2 क्या है? 2 लिखेंगे, 2z प्लस 3ω इज इक्वल टू 2। अगर आप देखें तो ये प्लस माइनस होगा, माइनस ये प्लस तो ये माइनस, ठीक है। अब ये कट जाता है, ठीक है, दोनों कट जाता है। अब यहाँ पर देखें, माइनस ओमेगा, मतलब अगर 2 से हम 3 माइनस करेंगे तो माइनस होना आता है, मतलब माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 6i। ये इधर माइनस करेंगे तो माइनस 2 प्लस 6i आएगा। जब हम इससे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 2 माइनस 6i। ये तो हमारे पास एक ओमेगा की वैल्यू आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 नाम दे, ठीक है। अब देखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 इन, इसमें द वैल्यू ऑफ 4 मतलब ओमेगा की वैल्यू, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में हमारे पास है 2z प्लस 3 और ओमेगा की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 2z प्लस 6 माइनस 18i इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे, 2z इज इक्वल टू माइनस 6, 2 ये प्लस इस तरफ जाएगा माइनस 6 और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 18i, ठीक है। अब देखिए, 2z इज इक्वल टू इससे माइनस 4 आ जाता है और प्लस 18i, ठीक है। अब इसको अगर हम 2 पर डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो ये 2 और ये 2 कट जाता है, 2 1 2 2 2 4, और ये 2 इसके नीचे भी है और 2 इसके नीचे, 2 9 18, ठीक है। सो z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 9, ये z की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू, तो हमारे पास 2 माइनस 6 जी इसका इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, मतलब आंसर। जी तो इसमें दूसरा पार्ट है
क्या है दूसरा पार्ट, जेड माइनस फोर ओमेगा इज इक्वल टू थ्री आयोटा, और इसके इक्वेशन नंबर वन टू जेड प्लस थ्री इज इक्वल टू एलेवन माइनस फाइव, ठीक है आयोटा। अब वही तरीका है, क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग, मतलब इसमें या इस तरह कोई ऊपर के साथ यानी किस साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या तो ये ओमेगा ख़त्म हो जाए या ये जेड ख़त्म हो जाए, तो जेड साइन से ख़त्म होता है मल्टीप्लाइंग टू बाय इक्वेशन टू, टू के साथ जब टू मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा टू जेड माइनस एट ओमेगा इज इक्वल टू सिक्स, उसके इक्वेशन नंबर थ्री। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थ्री फ्रॉम टू, थ्री माइनस करें टू से, तो इसको इक्वेशन नंबर टू नाम दें। टू क्या है, टू जेड प्लस थ्री ओमेगा इज इक्वल टू अलेवन माइनस फाइव आयोटा, इसको माइनस, इससे माइनस क्या करें ये वाला टू जेड माइनस टेन ओमेगा इज इक्वल टू सिक्स आयोटा। अब देखें ठीक है, अब इसके ये तो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ठीक है, और इसको प्लस करेंगे सो इलेवन ओमेगा इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये सिक्स माइनस सिक्स है, ये इस तरह हो जाएगा इलेवन माइनस सिक्स माइनस फाइव आयोटा माइनस सिक्स आयोटा, ठीक है इलेवन ओमेगा इज इक्वल टू इलेवन माइनस टू माइनस प्लस करेंगे लेकिन निशान माइनस का लगेगा एलेवन आयोटा, ठीक है माइनस टू माइनस प्लस करेंगे सिक्स और फाइव को जब प्लस करेंगे तो इससे एलेवन आता है, सो एलेवन से जब हम एलेवन, अगर हम इसको एलेवन पर डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एलेवन, ये दोनों कट जाएंगे एलेवन, ये दोनों कट जाएंगे ठीक है, तो इधर वन, इधर यहाँ भी वन रह जाता है, सो ये ओमेगा इज इक्वल टू वन माइनस आयोटा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन नंबर टू में ओमेगा की वैल्यू पुट करें ठीक है, टू जेड प्लस थ्री और ओमेगा की वैल्यू यहाँ हमारे पास है वन माइनस आयोटा इज इक्वल टू एलेवन माइनस फाइव आयोटा, इक्वेशन नंबर टू है ठीक है। अब टू जेड प्लस थ्री माइनस थ्री ओमेगा आयोटा सॉरी ठीक है इज इक्वल टू एलेवन माइनस फाइव आयोटा, यहाँ तक पहुँच गई। अब क्या करेंगे, अब इसको शिफ्ट करेंगे ठीक है, इससे हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू हो गई जेड की वैल्यू हो जाएगी ठीक है, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे ठीक है, टू जेड इज इक्वल टू एलेवन माइनस फाइव आयोटा, ये प्लस माइनस थ्री और ये माइनस प्लस थ्री आयोटा बन जाएगा, टू जेड इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें हम मतलब सेम सेम और जो मतलब आयोटा जिसके साथ है तो ये आयोटा की तरफ जाएगा ठीक है, एलेवन माइनस थ्री माइनस फाइव आयोटा प्लस थ्री आयोटा, टू जेड इज इक्वल टू एलेवन माइनस थ्री माइनस फाइव आयोटा, एलेवन माइनस थ्री और ये प्लस इंटू माइनस, माइनस करेंगे निशान बड़े का लगेगा माइनस टू आयोटा ठीक है। अब देखें टू यहाँ से मैं टू जेड इज इक्वल टू एलेवन माइनस थ्री टू आयोटा ठीक है, और ये हो जाएगा टू जेड इज इक्वल टू एट एलेवन माइनस थ्री एट माइनस टू आयोटा, अगर इसको भी टू पर डिवाइड करेंगे इस पर तो ये टू और ये टू कट जाएंगे, टू टू के साथ और टू फोर जार एट ठीक है,
तो ये जेड इज इक्वल टू फोर माइनस आयोटा, ठीक है। नाउ अब हमारे पास ओमेगा की क्या वैल्यू आ गई थी, आप पीछे देख सकते हैं, मैं ओमेगा की ये वाली थी वन माइनस ये वाली आयोटा, वन माइनस आयोटा और जेड की फोर माइनस, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है जी। तो इसका क्वेश्चन मतलब पार्ट नंबर थ्री इसमें है, ये है जो कि लिखा है हमने। अब देख इसको सोल्व किस तरह करेंगे, देखिए अगर हम इक्वेशन नंबर टू के साथ टू प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको ऐड करें तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। चले हम इसको सोल्व करते हैं, मतलब इसको आपने देखना होगा कि किसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि उसमें से ऊपर वाले नीचे वाले दोनों कट जाए, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग टू प्लस आयोटा क्वेश्चन टू के साथ, ठीक है, के साथ हम टू प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, टू प्लस आयोटा टू माइनस आयोटा एक ये है और जेड माइनस ओमेगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस तरह हो जाएगा, नहीं ये माइनस ओमेगा, ठीक है, और इस इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा और इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे टू प्लस आयोटा, ठीक है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और इधर भी टू प्लस आयोटा है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ भी और इसके साथ मतलब इन दोनों साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने से टू को मल्टीप्लाई करें टू माइनस आयोटा प्लस आयोटा किस को मल्टीप्लाई करें टू माइनस आयोटा और जेड अपनी जगह पर माइनस और ये टू प्लस आयोटा और ओमेगा ये अपनी जगह पर इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन को टू प्लस आयोटा के साथ प्लस आयोटा को टू प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है सारा, ठीक है, ये फोर माइनस टू आयोटा प्लस टू आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर और ये इस तरह जेड अपनी जगह पर, अब देखिए माइनस टू प्लस आयोटा अपनी जगह पर ओमेगा इज इक्वल टू माइनस टू प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा प्लस टू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम फुट करेंगे ताकि ये आयोटा स्क्वायर हम हमारे साथ खत्म हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो फोर माइनस टू आयोटा प्लस टू आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस वन है, एक माइनस है ये एक ये माइनस वन है और एक आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है, तो वो ये माइनस वन वो माइनस वन तो प्लस हो जाएगा प्लस वन, ठीक है। जेड माइनस टू प्लस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस टू माइनस आयोटा प्लस टू आयोटा इधर प्लस है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस वन, देखिए फोर, अब माइनस टू और इससे हमारे पास दिखाते चलो कि इससे हमारे पास फोर फोर अपनी जगह पर, अब प्लस इंटू माइनस माइनस करेंगे मतलब टू से अगर माइनस टू और माइनस टू तो ख़त्म हो जाएगा प्लस वन इंटू जेड माइनस टू प्लस आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस वन और माइनस वन इस तरफ माइनस टू माइनस वन इस तरफ आ जाएगा और माइनस आयोटा जी, तो आप इसको इक्वेशन नंबर थ्री का नाम दे दें, ठीक है। अब देखिए अब अगर हम इसमें एडिशन करें ए एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर वन और थ्री को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे साथ क्या होता है मैं दिखा देता हूँ। इक्वेशन नंबर वन क्या है, थ्री जेड प्लस टू प्लस आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू एलेवन माइनस आयोटा और जब हम इसके साथ ये प्लस करेंगे तो फाइव जेड माइनस टू प्लस आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू माइनस
थ्री प्लस आयोटा, ठीक है ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए अब ये तो कट जाता है ठीक है, ये ख़त्म हो जाता है ठीक है। इससे हमारे पास क्या आएगा, फाइव और थ्री को जब हम ऐड करेंगे एट जेड इज इक्वल टू, और ये हमारे पास अगर आप इसमें देखें तो ये माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा भी कैंसिल होते हैं, और जब इलेवन से हम थ्री माइनस करेंगे तो इससे भी एट आता है। जब एट पर इसको डिवाइड करते हैं एट वन ज़ार एट एट, ये एट और एट ख़त्म हो जाते हैं, सो जेड इज़ इक्वल टू वन। हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई जो कि वन है ठीक है। अब नाउ देखिए, अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन नंबर, अब आप इसको इक्वेशन नंबर टू में, यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर टू है इसमें पुट करें ठीक है। इक्वेशन नंबर टू में, इक्वेशन नंबर टू लिख लेता हूँ, टू माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा प्लस आयोटा, और जेड की वैल्यू क्या है, वन है ठीक है। तो हम यहाँ वन फुट करेंगे जेड की जगह ठीक है, टू माइनस वन इंटू वन माइनस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे वही आएगा, टू माइनस वन माइनस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा ठीक है। अब माइनस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा, अब ये प्लस है ये माइनस टू और ये माइनस है प्लस वन हो जाएगा, माइनस ओमेगा इज इक्वल टू, अब माइनस वन माइनस टू और प्लस में ये देखें यहाँ पर टू माइनस आयोटा और इधर भी टू माइनस आयोटा है ठीक है, ये आयोटा है ठीक है, सिर्फ टू माइनस आयोटा, तो ये माइनस वन माइनस टू प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा ठीक है। माइनस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ये प्लस हो जाएंगे माइनस थ्री, और प्लस इंटू प्लस प्लस आयोटा और आयोटा प्लस टू आयोटा ठीक है। और जब इससे हम माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू थ्री माइनस टू आयोटा ठीक है। सो जेड की वैल्यू हमारे पास वन आ गई, और जबकि ओमेगा की वैल्यू थ्री माइनस टू आयोटा, इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह इस एक्सरसाइज में एक और शुरू हो गया कि फैक्टराइज द पॉलीनोमियल पी जेड इनटू लीनियर फैक्टर ठीक है। हमने लीनियर फैक्टर को इसमें लाना होगा। पी जेड क्वेश्चन नंबर वन इसका पार्ट है, पी जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस फोर। अब क्या करेंगे देखें, इसका तरीका देखें, सॉल्यूशन लीनियर फैक्टर में लाना होगा ठीक है। जेड स्क्वायर माइनस इंटू माइनस फोर, इससे वापस दोबारा वही प्लस आता है ठीक है। जेड स्क्वायर माइनस और माइनस वन क्रॉस फोर ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, फोर वन ज़ार फोर, तो माइनस फोर और माइनस टू माइनस, फिर दोबारा वही प्लस फोर आ जाता है ठीक है। अब देखें जेड स्क्वायर माइनस, और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर, आयोटा हमारे पास किस के बराबर है, आयोटा हमारे पास माइनस वन की बराबर है, तो यहाँ पर हम आयोटा मतलब आयोटा स्क्वायर हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस वन के बराबर है, तो इधर आयोटा स्क्वायर इंटू फोर ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब देखिए जेड स्क्वायर माइनस, अब अगर हम फोर का भी स्क्वायर लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टू आयोटा होल स्क्वायर। अब देखिए अगर आप इसको देखें तो ये ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है, जो कि फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं जेड प्लस टू आयोटा और जेड माइनस टू आयोटा, जो कि इसका आंसर हो गया। आप देखिए सॉरी ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब इसका इसके बाद के जो पार्ट्स है, पी जेड इज इक्वल टू इसका दूसरा पार्ट ठीक है।
थ्री जेड प्लस सेवन। अब देखें इसका भी वही तरीका, बस तरीका सबका सेम होता है तकरीबन। थ्री जेड, अब देखिए माइनस इंटू माइनस सेवन लिख सकते हैं, माइनस फिर दोबारा वही आता है थ्री जेड माइनस इंटू माइनस वन क्रॉस सेवन। थ्री जेड माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, माइनस वन, तो इधर हम आयोटा स्क्वायर इंटू सेवन, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसका होल स्क्वायर लेना चाहते हैं तो इसका क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे, ठीक है। ये थ्री जेड का ये इधर क्वेश्चन में ये स्क्वायर पे है, ठीक है, मैं देख सकते हैं यहाँ पर कहते चलूँगी, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन में इस पर पहले ही से स्क्वायर है जो कि मैंने नहीं लिखा था, ठीक है, नज़र पड़ी तो अच्छा, ठीक है, इधर स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं थ्री जेड स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस सेवन आयोटा अंडर रूट और स्क्वायर, ठीक है, ठीक हो गया। अब देखिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही दोबारा वही फार्मूला बन जाता है, क्या है थ्री जेड प्लस अंडर रूट सेवन आयोटा और अंडर रूट थ्री जेड माइनस अंडर रूट सेवन आयोटा, सो जो कि इसका आंसर हो गया। अच्छा जी, अब इसका जो इसके बाद का जो पार्ट है पी जेड इज इक्वल टू, तीसरा पार्ट क्या है, जेड क्यूब माइनस टू जेड प्लस जेड और माइनस टू, ये इसका आखिरी पार्ट है, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो इससे हम मतलब जेड स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, थीके? जिस जहाँ पर रह जाता है जेड माइनस टू, अगर आप हम इससे प्लस वन कॉमन ले लें तो इधर जेड माइनस टू रह जाता है, ठीक है, इन दोनों से हमने कॉमन लिया, ठीक है। अब देखिए इसको हम इस तरह कर सकते हैं जेड माइनस टू और जेड स्क्वायर प्लस वन। अब जेड माइनस टू तो अपनी जगह पर, लेकिन इसको हम जेड स्क्वायर प्लस टू को हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस वन, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं जेड माइनस टू तो अपनी जगह पर और जेड स्क्वायर, अब आयोटा माइनस वन का क्या मतलब है कि आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर है तो माइनस वन भी आयोटा स्क्वायर के बराबर होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। अब जेड माइनस टू तो अपनी जगह पर, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है जी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर एट एट है, जिसमें सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस सिक्स जेड प्लस थर्टीन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये गिवन क्वेश्चन है, ठीक है। अब सॉल्यूशन सॉल्यूशन को देखिए किस तरह करते हैं, ठीक, जेड स्क्वायर प्लस सिक्स जेड प्लस थर्टीन इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस सिक्स जेड इज इक्वल टू माइनस थर्टीन, इसको थर्टीन को इस साइड शिफ्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए जेड स्क्वायर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं प्लस टू जेड इंटू थ्री, थ्री टू जर सिक्स और फिर से वही आ जाता है माइनस थर्टीन, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग करेंगे, मल्टीप्लाइंग सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एडिंग एडिंग बोथ साइड बाय थ्री का स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस टू जेड थ्री प्लस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थर्टीन प्लस
थ्री का स्क्वायर, ठीक है, बोथ साइड ऐड कर लिया, ठीक है। अगर आप इसको ए ले ले और ये बी हो जाए, मतलब ये ए हो गया, इधर मैं लिख लेता हूँ रफ फॉर्म में, ठीक है, इसको कि अगर हम क्या करें कि अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि जेड हमारे पास ए है और प्लस थ्री हमारे पास बी है, इसका होल स्क्वायर लेंगे। अगर आपको ये आप ये ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले से एक्सपेंड करें, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इससे आपके साथ ये वाला फॉर्म आएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जेड प्लस थ्री और उसके, क्योंकि इसी से ये आया है तो इससे ये भी आता है ना, इज इक्वल टू माइनस थर्टीन और प्लस नाइन, ठीक है, जेड प्लस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस, माइनस करेंगे निशान छोटे बड़े का लेगा, ठीक है, माइनस फोर, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट बोर्ड साइड लेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, जेड प्लस थ्री इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस फोर। अब हम इसको मजीद इस तरह जो लीनियर फैक्टर है उसके तरीके से हम इसको सॉल्व और भी करेंगे, ठीक है, जेड प्लस थ्री इज इक्वल टू हम इसको माइनस माइनस वन क्रॉस फोर भी लिख सकते हैं, ठीक है, जेड प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन किस चीज़ के बराबर है, आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो इधर हम आयोटा आयोटा स्क्वायर इंटू फोर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जेड प्लस थ्री इज इक्वल टू टू आयोटा, क्योंकि ये अंडर रूट ये के साथ अगर अंडर रूट फोर आप ले ले तो इसे टू आता है, ठीक है, ये टू आयोटा। अब इसको प्लस माइनस टू आयोटा, ठीक है, अब देखिए इसको मतलब एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, तो इससे हमारे पास जेड इज इक्वल टू, अगर जब प्लस में लिखेंगे तो ये जब इस तरफ आ जाएगा सो माइनस थ्री प्लस टू आयोटा, ये एक हो गया, और जेड इज इक्वल टू ये इस तरफ आ जाएगा सो माइनस थ्री माइनस टू आयोटा, तो इसका ही आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसका अगला पार्ट भी कर लेता हूँ, इसके बाद की जो जितने भी क्वेश्चन है ये इसका नाइन्थ और टेंथ पार्ट सेम, मैं इसमें नाइन्थ कर लेता हूँ, ठीक है। नाइन्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर नाइन है, जेड प्लस टू जेड इज इक्वल टू टू, ठीक है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय जेड, जेड डॉट जेड प्लस टू बाय जेड डॉट जेड इज इक्वल टू टू जेड, ये जेड और ये ख़त्म हो जाएंगे, जेड स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू टू जेड, ठीक है। इसको इस तरफ लाएंगे, इस तरफ चलेगा जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस है, इस तरफ माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये प्लस इस तरफ माइनस टू हो जाएगा। अब देखिए एडिंग बोथ साइड बाय वन स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस वन, वन का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू प्लस वन का स्क्वायर, तो वन आएगा। इधर हम इसलिए नहीं देखते कि अगर आप इसको देखें, अगर इसको आप ए ले ले और ये बी ले ले, ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन जाता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर मतलब जेड माइनस वन होल स्क्वायर को अगर आप एक्सपेंड करें ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले से, तो इससे आपको ये फॉर्म आएगा। तो इसको हम डायरेक्टली जेड माइनस वन होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस करेंगे निशान बड़े का लगेगा, माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम दोनों साइड ऊपर अंडर रूट लेंगे तो ये और ये कट जाएंगे, जेड माइनस वन इज इक्वल टू प्लस प्लस माइनस वन हो जाएगा। चलिए इस तरह कर लेते हैं कि इसको अंडर रूट में ही रहने दे, ठीक है। अब देखिए जेड माइनस वन इज इक्वल टू अंडर रूट, अब माइनस वन क्रॉस वन, वन वन जार वन और सिर्फ दोबारा वही आ जाता है, ठीक है। अब जेड वन जेड माइनस वन इज इक्वल टू, अब माइनस वन की जगह हम आयोटा स्क्वायर फुट करेंगे, ठीक है, आयोटा
स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये टू और ये अंडर रूट करना चाहता है, जेड माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। अंडर रूट करने के बाद ये प्लस माइनस आ जाता है, ठीक है। अब देखिए जेड, अगर इसको हम एक बार जेड माइनस वन इज इक्वल टू प्लस आयोटा और जेड माइनस वन इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है, तो इधर आ जाएगा जेड इज इक्वल टू, ये माइनस इस तरफ प्लस हो जाएगा वन प्लस आयोटा और जेड इज इक्वल टू ये माइनस तरफ जाएगा तो वन माइनस आयोटा। सो जेड के दो वैल्यू आ गई, जेड इज इक्वल टू वन प्लस माइनस आयोटा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, तो इसको मतलब जेड वन दी गई है और इस तरह की मतलब जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इसमें हमने जेड की ये जेड वन की वैल्यू फुट करनी है, ठीक है। सो जहाँ पर जेड है वहाँ पर वन प्लस टू आयोटा फुट कर, ठीक है, एक गिवन है, ये ऊपर वाला गिवन है, ठीक है, वन प्लस टू आयोटा होल स्क्वायर, क्योंकि जेड का स्क्वायर है तो हाँ वहाँ इसका भी, माइनस टू इंटू वन प्लस टू आयोटा प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए की वैल्यू और बी की वैल्यू माइनस टू मल्टीप्लाई करेंगे टू वन जो टू और प्लस इंटू माइनस माइनस फोर आयोटा प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए वन माइनस फोर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है, ये इस पर भी है और इस पर भी है, तो ये स्क्वायर टू होने से ये फोर हो जाता है, टू टू जो फोर, और इस पर जब होता है आयोटा पर तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर, जब हम यहाँ माइनस वन पुट करेंगे तो इस माइनस से ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस टू टू जार फोर आयोटा माइनस टू माइनस फोर आयोटा प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस थ्री। अब ये माइनस टू इस तरफ आ जाएगा, माइनस टू प्लस फोर आयोटा माइनस फोर आयोटा प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू माइनस प्लस करेंगे, ठीक है, और निशान माइनस करेंगे बड़े का, माइनस फाइव प्लस फोर आयोटा माइनस फोर आयोटा प्लस इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए प्लस फोर माइनस फोर माइनस फाइव प्लस फाइव, सो जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है।